हम आपको बताएंगे ये हमारी ये जो है जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी आपकी अपनी पार्टी है और इसका गठन माननीय राजा भैया ने 2018 में किया था, 30 नवंबर 2018 में इसका गठन हुआ था। ये आपके अपने बीच की पार्टी है, जो भी इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आपके अपने बीच के माननीय रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया जी हैं, जिन्होंने इस उद्देश्य से ये पार्टी बनाई कि हमारी जनता, हमारे जिले की जो जनता है, जो लोग किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, वो कितना परेशान हो रहे हैं, इनकी आवाज़ को, इनको रोजगार देने के लिए, इनकी समस्याओं का निदान करने के लिए, इनकी जो है सहायता करने के लिए इन्होंने पार्टी का गठन किया। क्योंकि इन्होंने भी देखा कि बहुत सारी पार्टियां आती हैं चली जाती हैं, जब हमारे ही लोगों का उत्थान नहीं हो सकता है, हमारे ही लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो क्यों ना मैं पार्टी का निर्माण करूँ। और उन्होंने 30 नवंबर 2018 में अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। और ये पार्टी राजनीति नहीं करती है, ये पार्टी राजनीति पर काम नहीं करती है, हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे कभी भी, हम आपको सिर्फ ये सेवा नीति करती है, आपके दुख दर्द को हम सुनने आए हैं और आपके दुख दर्द को बांटने आए हैं, यथासंभव जितना हमसे हो सकेगा उसका हम निस्तारण करेंगे, उस समस्या का समाधान ढूंढेंगे, आपकी सहायता कर पाए, इसलिए हम आपके बीच में आए हैं। और इसीलिए चूंकि पुरुषों का तो सब सुन लेते हैं, महिलाओं का कोई नहीं सुनता है, तो महिलाओं के लिए भी सोचिए कि इस पार्टी में उन्होंने सोचा कि महिलाओं की समस्या कौन सुनेगा, तो उन्होंने महिला प्रकोष्ठ का निर्माण किया कि एक महिला प्रकोष्ठ भी होना चाहिए जिसमें हमारे बीच के जो माताएं बहनें हैं उनकी समस्याओं को सुनने वाला भी कोई होना चाहिए, जो सुने उनकी समस्याओं को हमारे तक पहुँचाए। इसलिए उन्होंने जो है इसमें महिला प्रकोष्ठ भी किया है, व्यापार प्रकोष्ठ भी है कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं जो रोजगार थोड़ा बहुत कर रहे हैं उनके लिए भी उनके जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जो वकील हैं उनके लिए भी बनाए गए हैं, तो इसमें जो है हर वर्ग का जो टीचर हैं शिक्षक हैं उनके लिए भी बनाए गए हैं, तो हर वर्ग के लोगों के लिए उन्होंने प्रकोष्ठ बना दिए हैं और उसका उन्होंने जिलाध्यक्ष बना दिया है कि वो क्षेत्र में जाए और उन लोगों के साथ मिले, उनकी बात को सुने समझें और उसका जो है माननीय राजा भैया तक उनकी समस्याओं को पहुंचाएं। तो जिला अध्यक्ष के साथ साथ उन्होंने हर प्रकोष्ठ, 5 प्रकोष्ठ हमारे यहाँ बने हुए हैं और 5ों में जिला अध्यक्ष रखे गए हैं और सब में लोगों को जोड़ा जाता है, इसमें जिला स्तर पर फिर ब्लॉक स्तर पर फिर गाँव के स्तर पर गठन होता है। और इसीलिए हम आपके बीच में आए कि आपकी जो समस्याएँ हम सुने, आपके बीच में ही गठन करके मैंने कार्यकारिणी सदस्य इनको सुनीता जी को बनाया है ताकि आपके गांव की समस्याएं जो भी चीजें हैं वो हम लोगों तक पहुंचे। क्या है क्या नहीं, सुनीता जी के लिए हम चाहेंगे कि आप लोग एक जोरदार तालियां बजा दें, आपके बीच में आपके बीच